हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय अखंड प्रताप। तो हमने कल पढ़ा था वो कंपाउंड वर्ड का प्लूरल बनाना, तथा कुछ हमने देखे थे डिटरमाइनर के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। और हमने अभी तक देखे जितने भी प्लूरल बनाना सीखा, मैंने अभी तक जो भी सिखाया वो वर्ड का सिखाया है, लेकिन नंबर का, लेटर का और एब्रीविएशन का प्लूरल बनाना अभी तक नहीं सिखाया है। आज हम लोग पढ़ेंगे लेटर, नंबर और एब्रीविएशन का प्लूरल बनाना। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लूरल ऑफ नंबर्स, लेटर्स एंड एब्रीविएशंस, इनका प्लूरल बनाना हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, इसका प्लूरल बनाना पढ़ेंगे आज हम लोग, इनका प्लूरल बनाना पढ़ेंगे। तो इनका प्लूरल बनाना बहुत आसान होता है। नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी वर्ड का हम लोग प्लूरल बनाते हैं या फिर किसी कंपाउंड वर्ड का प्लूरल बनाते हैं, तो इसमें देखे होंगे कि आपने हमेशा एस जोड़ा हुआ था। पर जब हम लोग प्लूरल नंबर्स, लेटर्स और एब्रीविएशन का बनाते हैं, जब हम लोग प्लूरल नंबर, लेटर्स और एब्रीविएशन का बनाते हैं, तो एपेस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एपेस्ट्रॉफी एस का, न कि बस एस का। जैसे मैंने बोल दिया कि, मान लो मैंने बोल दिया कि देयर आर टू फाइव्स इन 55। ठीक है, मैंने बोला कि 55 में दो पांच हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, 55 में दो पांच है। अब मुझे दो पांच दिखाना है, तो पांच का प्लूरल बनाना पड़ेगा, फाइव का प्लूरल बनाना पड़ेगा, और फाइव क्या है, एक नंबर। तो नंबर का जब हम लोग प्लूरल बनाते हैं, तो एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। किसका, एपेस्ट्रॉफी एस। ठीक है, जब भी हम लोग नंबर, लेटर एंड एब्रीविएशन का प्लूरल बनाते हैं, तो एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा माइंड योर पीज एंड क्यूज, ये एक idiom भी है और एक इसका एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल भी है। यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा पीज एंड क्यूज, ये देखिए मैंने क्या लिखा है, पीज एंड क्यूज। यहाँ पे पीज का मतलब है कि कई पी, और क्यूज का मतलब है कई पी। तो जब हम लोग नंबर, लेटर और एब्रीविएशन का प्लूरल बनाते हैं, तो एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। हमने अभी तक नंबर देख लिया, लेटर देख लिया, अब एब्रीविएशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला देयर आर सेवरल MPs, क्या बोला, MPs इन आवर पार्लियामेंट। जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा है, देयर आर सेवरल MPs। MP क्या है, MP एक एब्रीविएशन है जिसका मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो क्या यहाँ MP जो है ये एब्रीविएशन है, तो एब्रीविएशन का भी जब प्लूरल बनाते हैं, तो हम लोग एपेस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। किसका, एपेस्ट्रॉफी एस का। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा MLA, इसका प्लूरल बनाएंगे तो एपेस्ट्रॉफी एस। मान लीजिए मैंने लिखा MA, तो इसका भी एपेस्ट्रॉफी एस। तो हम लोग जब भी एब्रीविएशन का प्लूरल बनाते हैं, तो हम लोग तब भी हम लोग एपेस्ट्रॉफी एस का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, नंबर, लेटर और एब्रीविएशन का जब भी हम लोग प्लूरल बनाते हैं, तो एपेस्ट्रॉफी एस का यूज करके उसका प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। लेकिन एक बात यहीं पे ध्यान रखिएगा, अक्सर आपने देखा होगा कि MP को आजकल ऐसे भी लिखा जाता है, MP। मैंने बोला एब्रीविएशन का, एब्रीविएशन मतलब डॉट वाले का हम लोग प्लूरल एपेस्ट्रॉफी एस से बनाते हैं, पर जब बिना डॉट के लिखा होता है, तब हम लोग एपेस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते हैं, बस सीधा छोटा सा एस लिख देते हैं। MP अगर जो ऐसे लिखा है, तो एपेस्ट्रॉफी एस, नहीं लिखा है तो सीधे के सीधे ऐसे एस जोड़ देंगे। समझ में आया, प्लूरल बनाना मैं सिखा रहा हूँ, मैं बस एब्रीविएशन की समय बात कर रहा हूँ। नंबर और लेटर में डॉट होता नहीं है, उसको तो जैसे लिखा जा सकता वैसे ही लिखा जाएगा, मजबूरी है। पर आजकल MP, MLA, MA, BA को ऐसे लिखा जा रहा है। तो जब ऐसा सेंटेंस में लिखा है,
तो हम लोग उसका प्लूरल ऐसे बनाते हैं, ठीक है, बिना एपेस्ट्रॉफी एस के। समझ आ रहा? अगर डॉट के साथ है तो एपेस्ट्रॉफी एस लगेगा, बिना डॉट क्या है तो सिंपल सा एस लग जाएगा, ठीक है, सिंपल सा एस लग जाएगा। अब देखिए, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि फॉरेन लैंग्वेज है। कौन से फॉरेन लैंग्वेज? जैसे कि ग्रीक से ले लिया गया होता है, लैटिन से ले लिया गया है, कुछ ऐसे वर्ड है जो ग्रीक से ले लिया गया है, लैटिन से ले लिया गया है। तो ऐसे वर्ड का जब हम लोग प्लूरल बनाते हैं, ऐसे वर्ड का जब हम लोग प्लूरल बनाते हैं तो उसका कोई रूल नहीं होता है, वो बहुत ही बेढंगे तरीके से बनते हैं। मैं उनके कुछ लिखवा देता हूँ जिसपे अधिकतर एसएससी और बैंक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो मैं वो लिखवा दे रहा हूँ कुछ वर्ड। जैसे कि लैटिन के कुछ वर्ड हैं, कुछ रूल हैं, देख लेते हैं, रूल है लेकिन ये रूल रटे नहीं जा सकते हैं। प्लूरल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज, जैसे कि पहला रूल ये है कि जब किसी वर्ड के लास्ट में यू एम आए, ठीक है, जब किसी वर्ड के लास्ट में यू एम आए तो उसको रिप्लेस कर देते हैं प्लूरल बनाते समय ए से। किससे? ए से। जब लास्ट में यू एम आए और उसका जब हम लोग प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल, तो हम लोग यू एम के जगह लास्ट में ए लिख देते हैं। आपने एक बहुत ही अच्छा वर्ड सुना होगा, आज नॉर्मली हर दिन बंदा यूज करता है, जो कि है डाटा। डाटा एक प्लूरल वर्ब है, प्लूरल नाउन है, ना कि सिंगुलर। डाटा का सिंगुलर होता है डाटम। क्या होता है? डाटम। यहाँ पे यही रूल लगता है, यू एम को हटा के वहाँ पे हम लोग ए लगाते हैं जब इसका प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, इसके बहुत सारे एक्सेप्शन भी है, तो मैं वो वर्ड लिखवा दे रहा हूँ जो वर्ड हम लोगों के एग्जाम में अधिकतर आता है। पहला वर्ड है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम, ठीक है, मेमोरेंडम। अब देखिए, मेमोरेंडम में क्या आया लास्ट में? यू। तो इसका जब हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? मेमोरेंडा, मेमो रेंडा, ठीक है। तो यहां पे देखिए, हमने यू एम को हटा के क्या लिख दिया? ए। मैंने यू एम को हटा के क्या लिख दिया? ए। इसी तरह हर जगह चलेगा। तो फिर दूसरा लिखेंगे डाटम, जो कि अभी अभी बोला डाटम। तो डाटम का क्या हो जाएगा? डाटम का क्या हो जाएगा? डाटा, ठीक है। तीसरा मोमेंटम, इसका क्या हो जाएगा? मोमेंटा, ठीक है। चौथा एजेंडम, इसका क्या हो जाएगा? एजेंडा, ठीक है। ये कुछ वर्ड है, अभी और भी लिखवा रहा हूं। ये चार वर्ड आप यूज कर नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आगे दूसरा वर्ड लिख लेते हैं। क्रिमेटोरियम, क्रिमेटोरियम, यहां पे यू एम बस वहां पे लगा देंगे। ठीक है, क्रिमेटोरिया। फिर उसके बाद कोरिगेंडम, इसको क्या कर देंगे? कोरिगेंडा, कोरी गेंडा, ठीक है। फिर एडेंडम, एडेंडम, एडेंडा, ठीक है। ये वर्ड है, नोट कर लीजिए आप इनको। ये कुछ वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7, आप इन 7 वर्ड को यू नोट कर लीजिए। यही कुछ वर्ड हैं जिनका प्लूरल अक्सर एग्जाम में पूछ देता है, जैसे कि डाटा के साथ इज का यूज करके देगा, तो आपको याद रखना है कि डाटा के साथ
आर यूज होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा, ना कि सिंगुलर, क्योंकि इसका सिंगुलर तो डाटम है। क्या है? डाटम। ठीक है, तो यही वर्ड है, आप इनको याद कर लीजिए। ये साइड है प्लूरल, ठीक है, और ये साइड है सिंगुलर। आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा सिंगुलर, एक जगह पे यहाँ पे सिंगुलर लिखिएगा और यहाँ पे प्लूरल। सिंगुलर में ये है और प्लूरल में ये है। ठीक है, अगला कुछ वर्ड देख लीजिए। अब जैसे कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट में यू एम तो आता है, पर हम उनका प्लूरल ए जोड़ के नहीं बनाते हैं, उनका प्लूरल ए जोड़ के नहीं बनाते हैं। जैसे एल्बम। अब मैं ये लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं ये मत लिखिएगा, मैं ये बस समझा रहा हूँ। एल्बम्स हो जाता है, ठीक है, एल्बम्स। अब देखिए, ऐसे वर्ड मैंने जो 7 वर्ड लिखवाए हैं उनको छोड़ के, ऐसे याद रखिए, मैंने जो 7 वर्ड लिखवाए हैं उनको छोड़ के अधिकतर जितने भी यूएम वाले आते हैं उनमें बस सिंपल सा एस जोड़ते हैं। जो मैंने 7 वर्ड लिखवाए हैं आपको, मेमोरेंडम, एडेंडम, एजेंडा, एजेंडम, डाटम, मोमेंटम और क्रिमेटोरियम और कोरिगेंडम, ये जो वर्ड लिखा है उनके अलावा जितने भी यूएम वाले आते हैं उनको एस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका, देखिए कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जिनका ए जोड़ के भी प्लूरल बनता है या फिर एस जोड़ के भी प्लूरल बनता है यूएम वाले वर्ड का, यू एम वाले वर्ड का। ठीक है, कुछ यू एम वाले वर्ड ऐसे भी होते हैं, ऐसे वर्ड भी कुछ ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में यू एम आता है, वो ए भी अपने साथ ले लेते हैं और एस भी, दोनों के दोनों प्रचलन में रहे तो इन दोनों को सही मान लिया गया, इन दोनों को सही मान लिया गया। ठीक है, इसके कुछ वर्ड हैं वो भी नोट कर लीजिए। जैसे मीडियम, मीडियम, मीडियम का यू एम हटा के मीडिया भी लिख सकते हैं आप, आपने सुना होगा मीडिया। ठीक है, इसका मीडियम्स भी होता है, मीडियम्स भी होता है। ठीक है, दूसरा डिक्टम, इसका डिक्टा भी होता है, हटा दिया। डिक्टा भी होता है और डिक्टम्स भी होता है। डिक्टम्स भी होता है। ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड और है। मेमोरेंडम जो मैंने अभी अभी लिखवाया था, मेमोरेंडम में मेमोरेंडा भी होता है और मेमो रैंडम्स भी होता है। ठीक है, और देख लीजिए, जैसे पोडियम, ये भी नोट कर लीजिएगा, पोडियम, ये अपने साथ पोडिया भी होता है और पोडियम्स भी होता है। ठीक है, पोडिया भी होता है, पोडियम्स भी होता है, इसका प्लूरल। और अल्टीमेटम, इसका अल्टीमेटा भी होता है और अल्टीमेटम्स भी होता है, अल्टीमेटम्स भी होता है। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, कुछ वर्ड और लिखवा देता हूं। मिलेनियम, या फिर मिलेनियम्स। ठीक है, और कुछ वर्ड लिख देते हैं, बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, ये कुछ वर्ड हैं जो अपने साथ ए लेते हैं और एस भी लेते हैं। तो पेपर में अगर जिनके साथ है, ए लिख के भी दिया तो भी सही है, एस लेके दिया है तो भी सही है। लेकिन याद रखने वाली जो बात है, क्वेश्चन में ये नहीं आता ए या एस, ये नहीं बिगाड़ता है, वो मीडिया के साथ आपको इज लेके दिया हुआ, जो कि आपको देखना है कि नहीं, मीडिया तो प्लूरल होता है, तो इसका, इसके साथ हम लोग प्लूरल नाउन यूज, सॉरी प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे मेमोरेंडा दे दिया, तो
तो आप इसके साथ ये देखोगे कि मेमोरेंडा क्या है, प्लूरल, तो इसके साथ क्या आना चाहिए, प्लूरल वर्ब। तो क्वेश्चन ये आता है, ये नहीं आएगा कि पोडिया का पोडियस पोडियम्स, नहीं, ये इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज किया होगा या फिर इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज किया होगा तो आपको सिंगुलर करना है, इसके साथ सिंगुलर यूज किया होगा तो प्लूरल यूज करना है, ठीक है। अब देख लीजिए कुछ वर्ड और होते हैं, कुछ फॉरेन लैंग्वेज ऐसे होते हैं, कुछ फॉरेन लैंग्वेज ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में, जिनका लास्ट का वर्ड IS होता है, और इसका जब हम लोग प्लूरल बनाते हैं तो वो ES में चेंज करते हैं, किस में चेंज करते हैं, ES में। सिंगुलर में IS होता है और उसका जब हम लोग प्लूरल बनाते हैं तो ES में चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ वर्ड हैं, नोट कर लीजिए इसको भी, क्राइसिस, बहुत ही फेमस वर्ड, क्राइसिस, क्राइसिस का होता है क्राइसिस, ठीक है। दूसरा बेसिस, इसका हो जाएगा बेसिस, ठीक है। ओएसिस, ठीक है, आपको इनको याद करना है, इनको समझाया नहीं जा सकता है, इनको बस आपको याद करना है, क्यों, क्योंकि ये फॉरेन लैंग्वेज है, इनको इंग्लिश में यूज किया गया, बोलते बोलते प्लूरल इसी तरह बनाया जाता था, तो ये एक रूल बन गया, ठीक है। कुछ ये पर्टिकुलर वर्ड हैं जो ये रूल फॉलो करते हैं, सब नहीं करते हैं। और देख लीजिए एक्सिस, ये तो अक्सर आपने सुना होगा, एक्सिस, एक्सेस, ठीक है। एनालिसिस, ठीक है, हाइपोथेसिस, ठीक है, साइनोप्सिस, मिटा दे रहा हूं ऊपर का, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये कुछ वर्ड है, आप इनको भी लर्न कर लीजिए, ठीक है। ये कुछ वर्ड है ये जो आपको लर्न करना है, ठीक है, मिटा दो। अब देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ओ एन आता है, और इसका प्लूरल बनाते समय हम लोग ओ एन को ए में चेंज कर देते हैं, किस में चेंज कर देते हैं, ओ ए में, ठीक है। इसके कुछ वर्ड है, फिनोमिनन, आपने बहुत सुना होगा ये वर्ड फिनोमिनन, ये वर्ड है फिनोमिनन,
ये आया वो यार, इसको चेंज कर देंगे फिनोमिना में। ठीक है, अब ये जो वर्ड है, ये क्वेश्चन में ये जो वर्ड है, ये बहुत ही एग्जाम में आया हुआ है। इसके साथ फिनोमिना के साथ इज या डू या मतलब डज या फिर कोई भी सिंगुलर वर्ब यूज कर लेगा, जबकि आपको पता होना चाहिए फिनोमिना जो है ये एक प्लूरल वर्ड है, प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होना चाहिए। ये इसका सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज कर सकते हैं, पर इसके साथ नहीं। ठीक है, एक और वर्ड होता है क्राइटेरिया, आपने सुना होगा क्राइटेरिया के बारे में, ये है क्राइटेरियन होता है, और इसका प्लूरल बनाते हैं तो ओ एन को फिर से ए में चेंज कर लेते हैं, और ये भी वर्ड बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आता है। क्राइटेरियन क्राइटेरिया के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेगा जबकि ये प्लूरल है, तो इसके साथ कौन सा वर्ब यूज होना चाहिए? प्लूरल। इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज हो सकता है, याद रखिएगा इन दोनों को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कहूंगा? क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में। ठीक है, ये दोनों जो है आपको याद करके रखना है। ठीक है, ये जो है आपको याद करके रखना है। फिनोमिना एक प्लूरल नाउन है, याद कर लीजिए अभी मेरे साथ, क्राइटेरिया भी एक प्लूरल नाउन है, इन दोनों के साथ प्लूरल वर्ब यूज होता है, न कि सिंगुलर। ठीक है, आज हम लोगों ने प्लूरल बनाना सीख लिया है, आज हम लोगों ने प्लूरल बनाना सीख लिया है, आज हमारा नाउन का जो बनाना था प्लूरल, फिर सिंगुलर होते क्या हैं, कितने पार्ट होते हैं और काउंटिंग के बेसिस पे कितने पार्ट होते हैं, आज अभी तक हमने ये जान लिया है। आज से हम लोग, आज से नहीं, कल से, कल से हम लोग नाउन का यूज कैसे होता है वो सीखेंगे। ठीक है, नाउन का यूज कैसे होता है, नाउन को प्लूरल कब बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, क्यों नहीं बनाते हैं, अगर जो दिखाना है तो कैसे दिखाते हैं, ये सब अब हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, और एक बार फिर से आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, मुझे अगर जो आप फीस के तौर पे दे सकते हैं तो बस क्या देंगे, एक सब्सक्राइब और एक लाइक और एक शेयर। ठीक है, आपको बस किसी बच्चे को सजेस्ट करना है कि आप इस टीचर से पढ़ लो, वो बच्चा खुद ही अगर जो उसे अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि उसको सब्सक्रिप्शन जो वाला फाइल होता है उसमें उसको नंबर नहीं बढ़ाने हैं, तो अगर जो उसे अच्छा लगेगा मेरा वीडियो तो वो खुद सब्सक्राइब कर लेगा, बस आपको सजेस्ट करना है कि आप इससे पढ़ लो एक बार। ठीक है, बाकी आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल देखेंगे हम लोग नाउन का यूज। थैंक यू सो मच, और बस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।